वेलकम दोस्तों, ओके वैक्स हिंदी में तुम सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मेरे और वैक्स की तरफ से तुम सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे हमने 2K सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं, भले 2K नहीं, 2K से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हिट कर चुके हैं हम चैनल पे दोस्तों। तो मैं ऐसी ग्रो होने वाला है चैनल यार तुम लोगों की वजह से, यार तुम लोगों का इतना सपोर्ट है, इसलिए तो आज का ये स्पेशल 2K वाला वीडियो मैंने लाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में सन एंड मून का एपिसोड नंबर 1, वो भी हिंदी में। और दोस्तों, मेरे दोस्त का चैनल है एक, उसको जाके सब्सक्राइब मत भूलना। उस चैनल का नाम है ओमकार PM, भाई मेरा भाई का चैनल है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, वो भी अच्छे वीडियो बनाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलो वैक्स, चल भाई इंट्रो लगा और वीडियो शुरू कर, पब्लिक इंतज़ार कर रही होगी। हाँ यार, सब लोगों को मेरी तरफ से भी थैंक यू 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। और दोस्तों, मैं फटाफट इंट्रो लगा रहा हूँ यार, मेरे को भी वीडियो देखने का बहुत मन कर रहा है यार, मेरे को बहुत इच्छा हो रही है, मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा अभी। और दोस्तों, चलिए इंट्रो लगाता हूँ और वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, ऐश एक वाटर राइडिंग करता रहता है और उसके बाद वो याद करता है कि हम इस आइलैंड पे कैसे आए। दोस्तों, तो ऐश, उसकी माँ और उसका मिस्टर माइंड मार्केट में गए थे और वहाँ पे मिस्टर ने मेले आइलैंड का यानी अलोला रीजन का ये जीत लिया था प्राइस। और दूसरा दिन वो अलोला रीजन में आया है कि उसे प्रोफेसर ओक ने काम बताया कि उसको एक अंडा देना था उसके दूसरे भाई को यानी प्रोफेसर ओक के कज़न को। तो वो अंडा कौन सा था वो आपको दोस्तों, इसके बाद हमें ऐश का राइडिंग का सीन दिखाया गया है जिसमें ऐश शार्पीडो के ऊपर राइड करता है अंडर वाटर और ओवर वाटर, और पोकेमोन ढूंढता है अंडर वाटर में, मतलब देखता है पोकेमोन। दोस्तों, उसके बाद ऐश और उसकी माँ और मिस्टर मैन बात करते रहते कि हमें जो काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो काम पहले कर देते हैं, यानी प्रोफेसर ओक का अंडा दे देते हैं उनके भाई को और फिर वो निकल जाते हैं। उधर ही ऐश की माँ सब्जियाँ लेने रुक जाती है, यानी उन्हें एक सब्जी की दुकान दिख जाती है, वहाँ पे ऐश की माँ सब्जियाँ लेने को रुक जाती है और सब्जियाँ देखने लग जाती है। उतने में ऐश को एक कहाँ पे तो पोकेमोन दिख जाता है, तो ऐश उस पोकेमोन की तरफ बढ़ता है और फिर पिकाचू को पूछता है कि पिकाचू ये कौन सा पोकेमोन है। फिर वो पोकेमोन ऐश की नाक को काट लेता है, फिर ऐश पागल हो जाता है, पिकाचू भी पागल हो जाता है और फिर ऐश पिकाचू को बोलता है चलो पिकाचू हमें उस पोकेमोन का पीछा करना पड़ेगा। फिर ऐश उस पोकेमोन का पीछा करते करते एक जंगल में आ पहुँचता है। दोस्तों, वो उसका पीछा करते करते एक जंगल में आ जाते हैं दोनों ऐश और पिकाचू। उसके बाद हमें एक बहुत ही रहस्यमय पोकेमोन दिखाया गया है जिसकी रियलिटी अब तक रिवील नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों, ऐश अभी भी उस पोकेमोन का पीछा करता है। उसके बाद उसके पीछे एक जंगली पोकेमोन लग जाता है जो बैर टाइप पोकेमोन मुझे दिख रहा है। दोस्तों, फिर ऐश और पिकाचू और तेज़ी से भागने लग जाते हैं। ऐश को एक बिल्डिंग दिखती है, शायद उसे लगता है कि ये कोई बहुत ही अच्छी बिल्डिंग होगी या फिर एक स्कूल होगी। तो ऐश उस स्कूल की तरफ यानी उस बिल्डिंग की तरफ भागने लग जाता है, पर ऐश को पता नहीं रहता कि वहाँ पे एक बुल रेसिंग चालू होती है, यानी बुल रेसिंग जहाँ पे टॉरोस के ऊपर भागते भागते रेसिंग करते हैं। तो फिर ऐश उस रेस के बीच में आ धमकता है और टॉरोस उसको ठोक देता है। दोस्तों, उसके बाद ऐश को लग जाता है, ऐश उठता है, उसे एक लड़की मदद कर देती है उठने में। दोस्तों, ऐश उस लड़की को पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो बोलती है कि तुम पोकेमोन स्कूल में हो, प्रोफेसर सैमुअल ओके, सैम ओके। तो फिर वो बोलती है चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। तो फिर वो लोग उस स्कूल के प्रिंसिपल यानी सैमुअल ओक के पास चले जाते हैं, यानी उस प्रिंसिपल का दरवाज़ा ठकठकाते हैं। उतने में उधर से ऐश की माँ मिस्टर मैन और ओक बाहर आ जाते हैं और ऐश उतने में चकित हो जाता है कि मॉम मिस्टर मैन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद ओक उन्हें समझाता है और ऐश की मॉम उसे वो अंडा दे देती है। फिर ओक उन्हें अपने पुराने समय के बारे में बताता रहता है। उसके बाद ऐश
उस पोकेमोन स्कूल में घूमने लग जाता है, यानी देखने लग जाता है कि उस पोकेमोन स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों पोकेमोन स्कूल के गेट के सामने एक अनोखी टीम आ जाती है जो खुद को टीम स्कल के नाम से पहचानती है, बुलाती है। तो उसके सामने एक लड़का रहता है, उसके पास एक चार्जर रहता है, तो वो उसे चैलेंज करता है। तो वो लड़का उसे चैलेंज करता है पर ऐश बीच में आ जाता है और वो लड़का किसी टाइप का मूव इस्तेमाल करता है जिसे वो लोग जी मूव कहते हैं। तो वो उस मूव से उन तीनों को एक ही अटैक में हरा देता है, अपने पोकेमोन जिसका नाम वो टॉर्टनेटर करके एक पोकेमोन का नाम लेता है। फिर दोस्तों बाद में शाम हो जाती है और ऐश खाना खाते समय सोचने लग जाता है उस मूव के बारे में और उस ऐश को वो मूव चाहिए रहता है। उसके बाद दोस्तों ऐश को वही पोकेमोन दिखता है, वो रहस्यमय पोकेमोन जो उसे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा हुआ था। हाँ दोस्तों, वो पोकेमोन जो उसे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा था। तो दोस्तों वो उस पोकेमोन का पीछा करता है और वो किसी बिल्डिंग के छत पे आ जाता है और हमें उस पूरे पोकेमोन का दिखाया जाता है। उसका नाम अब तक रिवील किया गया नहीं है, पर दोस्तों वो पोकेमोन ऐश को एक बेल्ट देता है, बेल्ट यानी एक घड़ी देता है जिसे जी रिंग कहा जाता है। ये आपको आगे वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। दोस्तों वो उसे एक जी रिंग जैसा कुछ तो रिंग देता है वाइट कलर का। दोस्तों ऐश उसे टच करता है और अलग ही चीज़ हो जाती है। दूसरे दिन ऐश की मॉम घर पहुंच जाती है पैलेट टाउन में और ऐश उधर ही रहता है पोकेमोन स्कूल में जाने के लिए। तो फिर ऐश उसे बोलता है बाय मॉम और फिर हमारा एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है। तो दोस्तों हमारा आज का पोकेमोन सन एंड मून यानी अलोला रीजन ऑफ ऐश, दोस्तों इसका पहला एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि सेकंड एपिसोड में क्या होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो है पोकेवैक्स हिंदी। दोस्तों मैं ही ऐसे अनोखे एपिसोड का रिव्यू देता रहता हूँ, सन एंड मून एपिसोड का रिव्यू दूंगा हर एक एपिसोड का अगर तुम लोग चाहोगे तो। और दोस्तों मैं अमेजिंग पोकेमोन थियरीज भी अपलोड करता रहता हूँ चैनल पर। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे हम अगले वीडियो में या फिर अगले थियरी में वीडियो में। दोस्तों बाय।